हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू कुक इजी एंड डिलीशियस। कुक इजी एंड डिलीशियस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं चीज़ गार्लिक ब्रेड, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। बच्चों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो आप घर पर ही तवे पर आसानी से ये रेसिपी कैसे बना सकते हैं, चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ लेनी है। उन्हें छीनने के बाद बिल्कुल फाइन चॉप कर लें, और 3 से 4 हरी मिर्चों को चॉप कर लें, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो 1/2 टेबल स्पून। इन सारी चीज़ों को रखेंगे एकदम साइड में। अब हम लेंगे एक बाउल और उसके अंदर लेंगे 3 टेबल स्पून बटर। मैंने अमूल बटर लिया है। इसके अंदर सॉल्ट पहले से ही है, तो हम इसमें सॉल्ट नहीं डालेंगे। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। गार्लिक, ऑरिगेनो, ऑरिगेनो के बाद चिली फ्लेक्स, और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे ग्रीन चिली। जो मैंने ग्रीन चिली यहाँ पर यूज़ किया, ये बुलेट ग्रीन चिली है, आप चाहें तो तीखी वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है अच्छे से, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो मैंने इसे काउंटर पर ऐसे ही छोड़ दिया था, तो बटर जो है अच्छे से मेल्ट हो चुका है, अच्छे से पिघल गया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर सॉल्ट है इसलिए हमने नमक ऐड नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली वाला ब्रेड जो हम घर में यूज़ करते हैं, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। 2 ब्रेड लेंगे और उनकी साइड्स को कट कर लेंगे, और फिर जो हमने पेस्ट बनाया था बटर के साथ गार्लिक का चिली फ्लेक्स डाल के बढ़िया वाला, वो हम क्या करेंगे इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। अच्छे से लगाना है, क्योंकि मेन फ्लेवर जो है इसी का ही होता है। दोनों ब्रेड पर अच्छे से अप्लाई करेंगे। एक ब्रेड तैयार हो चुका है, हम दूसरे को भी इसे अच्छे से लगा देंगे। साइड्स में भी, किनारों में भी बहुत बढ़िया तरीके से लगाना है आपने। अब हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे और पैन को गर्म करेंगे, हल्का सा 1 टेबल स्पून बटर डालेंगे, घुमाएंगे और बटर को अच्छे से फैला लेंगे। उसके बाद जो हमने अपना ब्रेड बनाया था उसे इस पर रख देंगे और फ्राई होने देंगे। ब्रेड को अच्छा क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। इसी तरीके से हमने अपने दोनों ब्रेड को सिर्फ एक ही साइड सेकनी है, आपने दूसरी साइड को नहीं सेकना। ये देखिए, ब्रेड बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है, सेक चुका है बढ़िया, और मैंने इसकी एक ही साइड को सेका है और दूसरी साइड को हमने इसको नहीं सेका। अब जो साइड्स हमने इसकी फ्राई कर रखी है उस पर हम क्या करेंगे, चीज़ लगाएंगे। आप चाहें तो मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अमूल वाली चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। चीज़ लगा देंगे अच्छे से। अब दोनों को एक साथ रखेंगे, ये देखिए। अब इस ब्रेड को इसके ऊपर रखेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे और एक पैन लेंगे, उसके अंदर 1 टेबल स्पून बटर डालेंगे और बटर को अच्छे से फैलाने के बाद इस ब्रेड को आप इस पर रख देंगे। आप नॉर्मल तवे पे भी ये रेसिपी बना सकते हैं, लेकिन उसको आपने अच्छे से कवर करना है, किसी बाउल से करें या किसी प्लेट से। अब मैंने फ्राई पैन को प्लेट से कवर कर दिया है और लो फ्लेम पे इसे 2 मिनट तक कुक करेंगे, ताकि हमारी जो है अच्छे से पक जाए ये ब्रेड और इसकी चीज़ जो है बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए। देखिए, कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, ब्राउन कलर हो चुका है, ब्रेड ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नज़र आ रहा है। अब इसकी दूसरी साइड को भी हमने इसी तरह ढक के कवर कर देंगे और 2 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसे पकाना है, ताकि चीज़ जो है बिल्कुल भी वैसी ना रहे और बिल्कुल बढ़िया तरीके से मेल्ट हो जाए। अब हम लिड हटा के देखेंगे, ब्रेड हमारा तैयार हो चुका होगा। ये देखिए, लिड मैंने हटा दी है, दूसरी साइड भी सिक चुकी है और चीज़ जो है मेल्ट हो चुकी है। अब ये बिल्कुल बढ़िया तैयार हो चुका है, तो इसे उतार लेंगे। ये देखिए, अब इसे आप किसी कटर की मदद से या नाइफ़ की मदद से बीच में से कट कर लीजिए। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, चीज़ इतनी बढ़िया तरीके से मेल्ट हुई है कि इसकी देखिए दूसरी साइड से चीज़ निकल रही है। बहुत ही बढ़िया हमारा चीज़ गार्लिक ब्रेड तैयार हो चुका है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं आपको इसके बाइट तोड़ के दिखाती हूँ एक, ये देखिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ट्राई दिस रेसिपी।